नमस्कार, नेशनल वॉइस देख रहे हैं आप, मैं हूं स्नेहलता शुक्ला। निकाय चुनाव में पहले चरण के लिए कल मतदान होगा और पहले चरण में 24 जिले शामिल हैं जिन पर 230 निकायों पर वोटिंग होनी है। पहले चरण में गोरखपुर, हरदोई जैसे जिले शामिल हैं, यानी सीएम के गढ़ में भी कल मतदान होना है जहां योगी की साख दांव पर होगी। वहीं पहले चरण के मतदान के लिए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। तो पहले चरण के मतदान की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, सब तरीके से सुरक्षा के मद्देनजर जितने भी इंतजाम होने थे वो सारी चीजें पुख्ता कर ली गई हैं, क्योंकि 24 जिलों में कल वोटिंग होनी है जिसमें हम आपको बताएं 230 निकाय होते हैं और इन 24 जिलों में सीएम का गढ़ भी यानी गोरखपुर भी शामिल है। तो 1,92,00,000 से ज़्यादा लोग कल वोट डालेंगे और पहले चरण का ये वोटिंग है जिसमें 24 जिले आते हैं। सुरक्षा के मद्देनज़र सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो, वोटिंग हो, इसके लिए सारी तैयारियां की गई हैं। मैदान में 26,336 प्रत्याशी होंगे जिनके लिए वोट डाले जाएंगे। उधर कानपुर में निष्पक्ष मतदान कराने की कमान 17,000 पुलिसकर्मियों को सौंपी गई है जिसमें पैरामिलिट्री फोर्स भी मतदान केंद्रों पर तैनात रहेंगे। अति संवेदनशील और संवेदनशील केंद्रों पर दूरबीन के साथ ऊंचे इमारतों से निगरानी की जाएगी। वहीं थाने को अलग अलग एक मोबाइल टीम दी गई है। क्विक रिस्पांस टीम की 88 टीम भी बनाई गई है। निकाय कानपुर का चुनाव 22 लाख लोग मतदाताओं का है, जो बहुत बड़ा चुनाव है। उसको दृष्टिगत ये जो हमारे 1817 पोलिंग स्टेशन जिनमें 22 तारीख को मतदान होना है, इनमें समुचित पुलिस व्यवस्था और जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस है उसका प्रबंध किया गया है। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 20 ड्रोन से पूरे शहर के चप्पे चप्पे की निगरानी रखी जाएगी। तो अपनी अपनी ड्यूटियाँ समझ लें, समय पे पहुँच जाएँ। कल जो पोलिंग पार्टीज रवाना होगी वहाँ पे समय से पहुँच जाएँ, पोलिंग पार्टीज के साथ जाएँ। जहाँ पे मतदान केंद्र है, रुकना है पूरी पार्टी को, उसके साथ रुकें और सुबह 6 बजे बावर्दी दुरुस्त होकर के पूरी चुस्ती के मुस्तैदी के साथ ड्यूटी करें। वहाँ पर जो वोटर वोट दे चुके हैं वो अपने घरों को जाएं, जिसको वोट देना है वो लाइन में लगे, अनावश्यक भीड़ भाड़ ना।